हाँ तो चलिए हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स बुक जो एनसीईआरटी का है उसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि चेक विदर 5-2, 6-4 एंड 7-2 आर द वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। पूछा जा रहा है कि क्या चेक कीजिए कि जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो इसे तो पहले चेक करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट आपको दिया गया है 5-2, सेकेंड पॉइंट आपको दिए गए हैं 6-4 और थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है 7-2। चलिए एक को पॉइंट ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी नेम दे देते हैं। तो ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलस ट्रायंगल है कि नहीं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल तब कहलाएगा जब इनके किन्हीं दो साइड का लेंथ सेम हो जाए। तो लेंथ निकालना है तो चलिए लेंथ निकालते हैं, एक एक करके तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे। चलिए ये जो साइड ए बी है, ये जो साइड ए बी है इसको देख लें, फिर एक बार चलिए ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो होता है रूट अंदर h2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। ए जैसा कि आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 5-2, बी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिख रहा होगा 6-4, जो पहले है उसको x1 by 1 और जो सेकेंड पॉइंट है उसको x2 by 2 से इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए ये बात आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते थे एक्चुअली में, हमें x2 x1 का वैल्यू पुट करना है। x2 का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा 6, माइनस तो माइनस, x1 का वैल्यू आपको मिल जा रहा है 5, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए प्लस तो प्लस, बाय 2 का वैल्यू देख लीजिए 4 दिखेगा, माइनस बाय 1 का वैल्यू देख लीजिए -2 दिखेगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। यदि इस तरह से डबल माइनस आ जाए, डबल माइनस एक साथ आ जाए तो इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं या तो डायरेक्ट प्लस भी माइनस माइनस प्लस भी लिख दे सकते थे। चलिए मैं आगे बढ़ा दूं, 6 में से 5 गया तो आपका हो जाता है 1, स्क्वायर तो स्क्वायर है ना, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दीजिए तो रूट अंदर 37। तो आपने तो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए भी निकाल लिया है, अब आपको बीसी निकाल लेना चाहिए। हाँ, बीसी पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस है, तो यहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर होता है। बी का वैल्यू आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 6-4, सी का वैल्यू भी आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में 7-2 दिया गया है। आपको मैं बता चुका हूं कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे x1 by 1 कहा जाता है और जो सेकंड पॉइंट होता है उसे x2 by 2 कहा जाता है।
अब क्या है, एक्स टू का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 है, माइनस तो माइनस दे दीजिए, एक्स वन का वैल्यू 6 दिख रहा है, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस तो ठीक है, बाय टू का वैल्यू देख लीजिए माइनस 2 है, माइनस भी ठीक है, बाय वन का वैल्यू देखिए तो 4 है, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर लीजिए, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, अब आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, इस तरह से आप देख सकते हैं रूट अंदर 37। मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलस ट्रायंगल तब कहलाएगा जब दो साइड का डिस्टेंस इक्वल हो जाए, दो साइड का लेंथ इक्वल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है इसका साइड एबी भी रूट अंदर 37 है और दूसरा साइड बीसी भी रूट अंदर 37 है, दोनों साइड इक्वल दिख रहा है, तो कह दीजिए ना इसको कि इन ट्रायंगल एबीसी साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल और ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिक्स हैं किनके, तो आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये पूछा जा रहा था कि ये जो तीनों पॉइंट हैं उससे आइसोसेलस ट्रायंगल बनता है कि नहीं, आइसोसेलस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं कि नहीं। तो आपको बता दिया गया कि ऐसे बारी बारी करके आप साइड निकालेंगे, दो साइड इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी और बी सी निकाला तो दोनों इक्वल हो गया, इसलिए तीसरा साइड ए सी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि ये दोनों इक्वल ना होता तो तीसरा साइड ए सी निकाल के भी हम लोग चेक करते हैं कि कहीं वो दोनों तो वो तो ना बराबर है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।